ही में बॉलीवुड की वेटरन एक्ट्रेस मौसमी चटर्जी की बेटी पायल सिन्हा के डिमाइज की खबर सामने आई थी। आपको बता दें कि मौसमी चटर्जी की बेटी पायल सिन्हा का 13 दिसंबर रात 2 बजे निधन हो गया था। पायल लंबे वक्त से बीमार चल रही थी, उन्हें जुवेनाइल डायबिटीज थी। हालांकि पायल सिन्हा के डिमाइज के बाद उनकी मां मौसमी चटर्जी ने अपनी बेटी के हस्बैंड डिक्की सिन्हा पर कई आरोप लगाए थे। उन्होंने कहा था कि डिक्की पायल का ठीक से ध्यान नहीं रखते थे। लेकिन अब पायल के पति डिक्की सिन्हा ने एक इंटरव्यू में मौसमी चटर्जी के बारे में कई सारे शॉकिंग खुलासे किए हैं। स्पॉट बॉय को दिए एक इंटरव्यू में डिक्की ने कहा कि उनके और उनके ससुराल वालों के बीच सब कुछ ठीक नहीं है। डिक्की ने कहा, मुझे उन लोगों से कोई इशू नहीं है, मैंने केस जीता था, पायल मेरे साथ ही रह रही थी, अपने आखिरी वक्त में भी वो मेरे साथ ही थी। आपको पता है कि मौसमी ने पायल के मरने के बाद उसका चेहरा तक नहीं देखा, वो फ्यूनरल में भी नहीं थी, वो शमशान घाट तक भी नहीं आई थी। पायल के पापा और बहन ही बस फ्यूनरल में आए थे। यहाँ तक कि जब पायल जिंदा थी तो उसकी बहन मेघा ने एक बार उसे जबरदस्ती प्रसाद खिलाने की कोशिश की थी, जिसकी वजह से वो लगभग चोक्ड हो गई थी। डिक्की ने आगे कहा, उन लोगों ने पायल की बीमारी को ईगो इशू बना लिया था। जिस तरह मैं पायल की देखरेख कर रहा था, कुछ सेलेब्स ने मेरी तारीफ की, जिसके बाद मौसमी ने लड़ाई शुरू की और इसे पब्लिक किया। मैंने अब तक इसके बारे में बातचीत नहीं की, पहली बार मैं इस सब के बारे में बोल रहा हूँ। ये सब इसलिए नहीं है कि मैं अपना नाम साफ करना चाहता हूँ, ये बस इसलिए है ताकि सच्चाई सामने आए। पायल लगभग 2.5 साल से कोमा में थी, लेकिन 2 बार वो होश में आई, यहाँ तक कि सपोर्ट के जरिए उसे चलाने में भी कामयाब रहे। हालांकि बाद में कुछ कॉम्प्लिकेशंस हो गए। इस पूरी बीमारी के दौरान उसका 2 बार ऑपरेशन हुआ, एक बार ब्रेन सर्जरी की गई थी, और हाँ, पिछले 2 महीनों में मौसमी 5 बार केवल 5 मिनट के लिए हॉस्पिटल आई। मेरे पास सबूतों की रिकॉर्डिंग है, मैंने कभी भी पायल को देखने से मना नहीं किया था, मुझे बड़ा नुकसान हुआ है, मैंने अपनी पूरी कोशिश की। सच कहूँ तो मुझे नहीं लगता कि मैं किसी के प्रति जवाबदेह हूँ। आपको बता दें कि पायल अप्रैल 2018 में कोमा में थी और उनके पति डिक्की सिन्हा उन्हें हॉस्पिटल से घर ले आए थे, मगर मौसमी चटर्जी और उनके पति जयंत मुखर्जी ने दामाद पर उनकी बेटी की सही देखभाल ना करने के गंभीर आरोप लगाए थे। उनका कहना था कि डिक्की ने पायल की फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट बंद करवा दी थी। बेटी की बिगड़ती तबीयत के बाद मौसमी और उनके पति ने बॉम्बे हाईकोर्ट का दरवाजा खटखटाया था। वेल, पायल के डिमाइस के बाद जिस तरह से अब उनकी माँ और उनके हस्बैंड एक दूसरे के खिलाफ खुलासे कर रहे हैं, उसके बारे में तो हम कुछ नहीं कह सकते, बट इतना जरूर कहेंगे कि ऐसे पायल की आत्मा को शांति कैसे मिलेगी। कम से कम ऐसे मौके पर तो मौसमी चटर्जी और डिक्की सिन्हा को समझदारी से काम लेना चाहिए और पायल की आत्मा की शांति के लिए प्रार्थना करनी चाहिए। बॉलीवुड की लेटेस्ट न्यूज, गॉसिप, फिल्म रिव्यू, सॉन्ग रिव्यूज के लिए सब्सक्राइब करें हमारे चैनल क्रेजी फॉर बॉलीवुड को। एंड यस, डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन, ताकि हमारे चैनल पे आई कोई भी नई इन्फॉर्मेशन आप बिल्कुल भी मिस ना कर पाएं।